अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई पर्पल यू। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का 2.1 फ्रॉम अ रेलवे कैरेज का और वर्कशॉप क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम लाउड विद द प्रॉपर रिदम। व्हाट डज द रिदम रिमाइंड यू ऑफ? सो इसमें स्टूडेंट डू इट योर ओन, बिकॉज इसको आपको पोएम को सिंग करना है, तो अभी आप खुद से कर लीजिए। अब चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। सो हमें राइमिंग वर्ड्स पोएम में से निकालना है, तो ये बहुत ईजी था। ये देखिए, यहाँ पर ये आपके पास मैंने आपको वर्ड दे दिया है, जहाँ आप लोगों को समझ आए, बैटल और प्लेन, रेन, अगेन, आई, बाय, ऐसे ही कुछ राइमिंग वर्ड्स हमें पोएम से मिले हैं, बस आप लोगों को वो लिख लेना होगा। अब हमारा 3.1 है, राइट द फॉलोइंग। सो इसमें देखिए, ये आपका क्वेश्चन एंड ये आपका सोल्यूशन करके मैंने आपको आंसर दे दिया। और 3.2, ये आपका क्वेश्चन और ये आप लोगों का आंसर वन लाइन का। क्वेश्चन नंबर 3.3, ये यहाँ पर इसका आंसर है। अब हमारा आ चुका है 4.1, थिंक एंड आंसर। सो अब इसका हम देखते हैं। सो 4.1 का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई आर द साइट सेट टू फ्लाई। तो हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, ये आपको बस ये लिख देना होगा, तो ये आपका 4.1 का आंसर हो जाएगा। 4.2 देखते हैं। 4.3 है, डज द लास्ट लाइन मेक यू हैप्पी और सैड, व्हाई। सो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, सो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, द लास्ट लाइन एंड गॉन फॉर एवर मेक्स मी फील सैड, बिकॉज ऑल द प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस गॉट फ्रॉम इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर कम्स टू एन एंड एंड डिस्पेयर फॉर एवर अस द रेलवे कैरेज स्पीड अहेड। सो अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द लाइन दैट बिगिन विथ हर और एंड हर। Also list the sentences or phrases that begin with and there. The phrases and the sentences tell us about things that appear one after the other as the carriage moves. Can we tell which ones are closer to the train and which ones are at the distance? How? तो इसमें हमें देखिए यहाँ पर है here and एंड देर। इसमें हमें तीन सेंटेंस दिए गए हैं और उससे हमें ये पता करना है कि ट्रेन हमसे कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है, कहाँ पर है। हमें पोएम में जो वर्ड्स से दिए गए उससे हमें मालूम करना है। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पर है, आपको कुछ ऐसे लिखना है, द लाइन दैट बिगिन विथ हर और एंड हर। हर इज़ एन एडवर्ब विच क्लोजनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब हर जो है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमसे कोई एकदम क्लोजनेस है तो हम ये हर लगाते हैं। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि वो बहुत क्लोज है, क्लोज में हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, तो हर तब लगाते हैं। तो आपको ये पूरा लिख देना होगा जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये आपका 4.1 का आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। अब इसमें है, लिस्ट द लाइन्स दैट बिगेन विथ हर और एंड हर, ऑल्सो लिस्ट द सेंटेंसेस। ओके, वन सेकेंड, आपका हो चुका है 4th क्वेश्चन। ये देखिए उसका, अभी हम आगे का सेकेंड और क्वेश्चन देखते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द फॉलोइंग, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है यूजिंग योर इमेजिनेशन। सो देखिए, आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, ये आपको जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये आप लोगों का आंसर है लाइक से। सो मैं आपको एक 4 दी हूँ, तो आप उसमें से चारों लिख सकते हैं, दिस हाउस लुक्स लाइक अ कैस्टल। ओके, और अस अस से आप ऐसा लिख सकते हैं, ही इज़ as smart as a fox. Okay, so चलिए अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Write about the sights you may see from a bus or an aeroplane. You may write it in the form of a short poem. हमें बस या प्लेन के ऊपर एक शॉर्ट पोएम लिखना है, तो हम लिखेंगे द रेड बस पे। सो मैं आप लोगों को उस पोएम दे देती हूँ। तो ये है रेड बस पे पोएम, आई एम आउट साइड teasing on the
आई एम आउट साइट सींग ऑन द रेड बस विथ पीपल अराउंड मेकिंग अ लॉट ऑफ व्यूज आई नो आई एम गोइंग टू सी वंडरफुल साइट्स। तो देखिए ये जो मैंने आप लोगों को भी बताया है, तो ये देखिए ये आप लोगों का रेड बस पोएम है। तो आपका जो पहले पोएम का नाम होगा द रेड बस, और इस पर आपको ये छोटी सी पोएम लिख देनी होगी, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड एंड रीड अदर पोएम्स ऑफ आर 70 सन यूजिंग द इंटरनेट। ओके, तो मतलब जो आपको आर एल 17 सन यूजिंग द इंटरनेट, उनकी जितनी भी पोएम्स है उसे देखनी है। फाइंड अदर रिदम्स पोएम्स अबाउट ट्रेन्स, मतलब ट्रेन्स के ऊपर जितनी भी पोएम्स है उसमें, और उसको फाइंड कीजिए इन इंग्लिश और देर और अदर लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में भी और अदर लैंग्वेज में जितनी भी ट्रेन पे पोएम्स बनी है हमें उसके बारे में लिखना है। तो देखिए मैंने इसका भी आंसर आप लोगों को दे दिया है। सम पोएम्स विच यू कुल्ड रिफर टू, देखिए ये कुछ पोएम्स है जो ट्रेन पे है, और मैंने आप लोगों के लिए थोड़े बहुत चार नाम दिए, तो आप भी बस ये चार नाम लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। सो बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, डू सब्सक्राइब, वी विल मीट अगेन।